पल्लवी, तू क्यों डर रही है? तूने थोड़े ही गलत किया है। पर लोगों को तो यही लगेगा ना कि हमने गलत किया है। हम ही रात तक रुके थे ना ऑफिस में। लोगों को तो कुछ भी लगेगा, तू उसकी चिंता मत कर। चिंता करनी पड़ती है, तुझे पता है? एक आदमी को पता चलेगा ना, पूरे शहर को पता चल जाएगा। हमारी इज्जत भौजी तो रो रो के मर से, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं है हिम्मत। पल्लवी, अगर आज तूने ऐसा नहीं किया ना, तो शाम जैसे लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी। आज उसने तेरे साथ ऐसा किया, कल वो किसी और के साथ ऐसा करेगा। उन्हें पता है कि हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। गलत तू नहीं, गलत वो शाम है, और उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। What? पल्लवी कैसी है? पल्लवी बहुत डरी हुई है। अशोक, हमें पल्लवी के लिए कुछ करना होगा। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। शाम सर अभी आते होंगे, मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ। ठीक है। कौन हो तुम? सिक्योरिटी पकड़ो इसे। अशोक, बात हुई? हाँ, बात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया किस तरीके से तुमने और पल्लवी ने झूठ बोल के ऑफिस का सारा काम छोड़कर घर चले गए। ऐसा बोला उन्होंने? और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो आपको बुलाने गए तो आपने बहाना किया और घर निकल गए, और तो और कवर करने के लिए ऐसा इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर। अशोक, वो झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, हमने देखा है। अशोक, बात सुनो हमारी। एक नंबर के इडियट हो तुम। तुमने उस आदमी को जाने कैसे दिया? पकड़ा क्यों नहीं? पापा, मैं भागा था उसके पीछे पकड़ने के लिए। मैं पकड़ने ही वाला था कि बीच में वो दरभंगा से शाम का फोन आ गया, कोई लड़की जान की उसके बारे में कुछ बोल रहा था। इस चक्कर में बस वो निकल गया हाथ से मेरे। कौन सी अर्जेंसी थी कि उस लड़की के लिए शाम ने तुम्हें फोन किया? पूछा नहीं। यू आर यूजलेस राजेश, एब्सोल्युटली यूजलेस। ना तुम हर्ष का ठीक से ध्यान रख पा रहे हो, ना ही दरभंगा का ऑफिस। अशोक, क्या है ये? बात तो सुनो हमारी। अशोक, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मत बर्दाश्त करो जानकी, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, पर तुम्हारे पास कोई भी सबूत है? सबूत हम हैं। गवाह है? अरे यार जानकी, वो हमारा बॉस है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो अपन दोनों की नौकरी गई। चलो मान लिया, मैं जाके अभी हेड ऑफिस में कंप्लेन कर देता हूँ। क्या होगा, इतना बड़ा तमाशा होगा, हमें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक तमाशा खत्म नहीं हो जाता। तुम रुक पाओगी? तुम्हारी बहन की शादी का फंक्शन है। देखो, इसलिए कह रहे हैं हमारी बात मानो प्लीज। पर अशोक, हम उसे सजा दिलवा कर रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सजा दिलवाएंगे, पर अभी मौका नहीं है जानकी, आप समझो मेरी बात। अब स्माइल प्लीज़।